हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू योर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सीए इंटरमीडिएट पेपर टू कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज में जो फर्स्ट पार्ट है कंपनीज एक्ट 2013 का जिसके बेसिक लेक्चर्स हमारे डिस्कशंस में चल रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013 काफी बड़ा इसका स्कोप होता है इन जनरल प्रैक्टिकल भी और आपके सिलेबस में भी काफी इंपॉर्टेंस रहेगा फाउंडेशन लेवल पे था इंटर में है और आगे फाइनल में भी आएगा तो उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट हम देख रहे हैं जिसके हमारे ओवरऑल दस पंद्रह सेशन होने वाले हैं ये सारे के सारे बेसिक सेशंस आपके लिए बहुत बहुत जरूरी रहेंगे जब हम रेगुलर सिलेबस डिस्कस करेंगे और इसीलिए ये सारे सेशंस आपको देखना जरूरी है जब मैं सेशंस में कुछ डिस्कशंस कर रहा हूँ कुछ चीजें लिख रहा हूँ तो आपको साथ में लिखना है लेक्चर के लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है जिसमें ये सारे नोट्स जो अभी आप मैं स्क्रीन पर देख रहे हो ये नोट्स आपको अवेलेबल है बट वो सिर्फ जस्ट फॉर अ कॉमन रेफरेंस है जो एडिशनल पॉइंट्स मैं लिखवा रहा हूँ या बोल रहा हूँ आपको साथ में लिखने हैं अभी के लिए जब बेसिक सेशंस हो जाएंगे उसके बाद जो रेगुलर नोट्स क्वेश्चन बैंक एक्सेट्रा वो सारी चीजें आपको इशू की जाएगी बट ये बेसिक सेशन के लिए आपको साथ में लिखने की तैयारी रखनी है सो so दैट आप उनको अच्छे से समझो और आगे कंपनीज एक्ट टू में आपकी लाइफ आसान रहे सो टाइप्स ऑफ कंपनीज तक हम आ चुके थे बेसिक सेशन के बाद टाइप्स ऑफ कंपनी में पहला कैटेगरी जो होता है वो है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स कि नंबर ऑफ मेंबर्स कंपनी में कितने हैं उसके बेसिस पे ब्रॉडली दो कैटेगरीज होती है पब्लिक एंड प्राइवेट प्राइवेट में कुछ सब कैटेगरीज रहेंगी ओपीसी स्मॉल कंपनी एंड अदरवाइज तो अब आज उसी के बारे में ओपीसी और स्मॉल कंपनी के बारे में भी आज हमारा डिस्कशन होगा तो पब्लिक कंपनी से हमने शुरू किया था पब्लिक कंपनी सेक्शन टू क्लास सेवेंटी तो यहां पे सिंपल सी बात बोल दी कि जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक कंपनी और ऐसी प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक कंपनी का सब्सिडियरी है तो उस प्राइवेट कंपनी भले ही वो आर्टिकल से रजिस्ट्रेशन से प्राइवेट है बट उसको वो सारे प्रोविजंस फॉलो करने हैं जो पब्लिक कंपनी के एक्ट मान लेगा ये हमने ये एक इकलौता पैराग्राफ था या ये एक अकेला पैराग्राफ जिसके ऊपर हमने पिछले सेशन में काफी ज्यादा डिस्कशन किया था आई होप आपको याद होगा कि कैसे ये रूल बनाया गया है क्यों ये रूल बनाया गया है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी है जो सब्सिडियरी है मतलब उसको कोई और कंट्रोल वो कोई और कंपनी कंट्रोल करे और वो कंट्रोल करने वाली कंपनी पब्लिक है तो बेसिक सिंपल रूल होल्डिंग कंपनी पब्लिक सब्सिडरी प्राइवेट अगर है तो उस प्राइवेट सब्सिडरी को भी आपको पब्लिक ही ट्रीट करना पड़ेगा यह प्रोविजन हमने देखा फिर सेक्शन टू क्लॉज में एकदम क्रिस्टल क्लियर है, कि ये होंगी, तो आपकी है। जैसे उन्होंने मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल एज में प्रिस्क्राइब लिखा है बट उसके अलावा तीन चीजें उनके आर्टिकल्स में होनी चाहिए और उन्होंने फॉलो करनी चाहिए पहला रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स दूसरा मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200 एंड तीसरा प्रोहिबिशन ऑन पब्लिक इश्यू ऑफ एनी सिक्योरिटीज तो आप ट्रांसफर को फ्री नहीं रख सकते रेस्ट्रिक्शन लगाने पड़ेंगे मैक्सिमम मेंबर 200 होने चाहिए बट उस प्रोविजन के कुछ प्रोवाइजोस थे कुछ एक्सेप्शन क्रिएट किए गए थे जैसे अगर ज्वाइंट मेंबर्स है तो इस क्लॉज के लिए हम उनको एक ही पर्सन ट्रीट करेंगे प्लस अगर कोई करंट एम्प्लॉय प्रेजेंट एम्प्लॉय है या प्रीवियस एम्प्लॉय था उसके एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे वो मेंबर बना और बाद में भी उसकी मेंबरशिप कंटिन्यू है तो ऐसा जो पर्टिकुलर पार्ट part है उसको भी हम इस नंबर ऑफ मेंबर्स में 200 की लिस्ट में कंसिडर नहीं करते हैं तो एम्प्लॉय या प्रीवियस एम्प्लॉय जो कंटिन्यूएशन में है मेंबरशिप के उनको हम इस 200 की लिस्ट में कवर नहीं करते तो ये प्रोवाइज के साथ सेकेंड रूल देखा और तीसरा पब्लिक इश्यू कर ही नहीं सकते पब्लिक ऑफर करना पब्लिक को इन्वाइट करना ताकि वो हमारे कंपनी के शेयर्स डिबेंचर्स खरीद सके ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी को अलाउड है प्राइवेट कंपनी को नहीं तो ये तीन रेस्ट्रिक्शंस के साथ जो कंपनी चलेगी वो रहेगी प्राइवेट कंपनी अब प्राइवेट कंपनी की ही कुछ सब कैटेगरीज में एक वन पर्सन कंपनी है एक स्मॉल कंपनी है और अदर मतलब ही रेगुलर, जो वन पर जो प्राइवेट कंपनी वन पर्सन और स्मॉल नहीं है मतलब वो रेगुलर प्राइवेट कंपनी जो सारे प्रोविजन फॉलो करेगी अब जो आज हमें पार्ट स्टार्ट करना है उस पर फोकस करते हैं और वो है वन पर्सन कंपनी सेक्शन टू क्लॉज सिक्सटी टू में ये डेफिनेशन दिया गया है नाउ याद रखना वन पर्सन कंपनी ये पर्टिकुलर टाइप कंपनीज एक्ट 2013 में इंट्रोड्यूस्ड हुआ है इसके पहले कंपनीज एक्ट 1956 में ऐसी कोई टाइप की कंपनी नहीं थी ये एक ही कंपनी ये कंपनी जो है ये कंपनी का टाइप इवन स्मॉल कंपनी डॉर्मेंट कंपनी एसोसिएट कंपनी इनके डेफिनेशन कंपनीज एक्ट 1956 में थे ही नहीं कंपनीज़ एक्ट 2013 में ये डेफिनेशन लाए गए हैं और ये एक नए टाइप की कंपनी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन मेंबर रहेगा एक ही है जैसे हम प्राइवेट कंपनी में देखते हैं मिनिमम दो मैक्सिमम दो सौ पब्लिक कंपनी में मिनिमम सेवन मैक्सिमम अनलिमिटेड बट ये ऐसी कंपनी है जहां एक ही मेंबर रहेगा एक से ज्यादा मेंबर नहीं रहेंगे ना एक से कम ना एक से ज्यादा सी वन पर्सन कंपनी इज डिफाइंड एज कंपनी हैविंग ओनली वन मेंबर एक और इकलौता मेंबर इस कंपनी में रहेगा एक से ज्यादा मेंबर इस कंपनी में अलाउड नहीं है अब ऐसी टाइप ऑफ कंपनी इंट्रोड्यूस करने का एक मेजर रीजन है कि जैसे अगर आप देखोगे कि एक अकेला पर्सन ही अगर बिजनेस चला रहा है तो उसको हम नॉर्मली सोल ट्रेडिंग कंसर्न में देखते हैं बट वहां कोई एक्ट एप्लीकेबल नहीं है ना ही कहीं पे कुछ रजिस्ट्रेशन होता है और वो सिंपली क्या है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट रह जाता है बट ये छोटे स्केल के बिजनेस जो लोग स्मॉल स्केल पे चलाते हैं वो भी ऑर्गेनाइज पार्ट में आए वो भी ऑर्गेनाइज पार्ट में आए इसके लिए ये नया टाइप ऑफ कंपनी इंट्रोड्यूस किया है कि जिससे कॉर्पोरेटाइजेशन बढ़ेगा ज्यादा से ज्यादा एंटिटीज कॉर्पोरेट्स में आएंगी ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करेगी इस इंटेंशन से यह कंपनी इंट्रोड्यूस की गई है कंपनीज में कंप्लायसेस बहुत सारे होते हैं रूल्स रेगुलेशन बहुत सारे फॉलो करने पड़ते हैं वन पर्सन कंपनी को बहुत सारे एग्जाम्स दिए गए हैं बहुत सारी प्रोसीजर से छूट दी गई है ताकि उनको बिजनेस ऑपरेट करने में तकलीफ ना अब आगे एक और सेक्शन है दोनों सेक्शन सेक्शन टू क्लॉज कंपनी ऐसी है जिसमें एक पर्सन रहेगा अगला रूल ध्यान से पढ़ना इससे बहुत कुछ इंप्लीकेट होने वाला है एस पर सेक्शन थ्री क्लॉज वन सब क्लॉज सी या सेक्शन थ्री सेक्शन वन क्लॉज सी वन पर्सन कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी ध्यान से पढ़ना है ध्यान देके वन पर्सन कंपनी प्राइवेट कंपनी विथ वन में ही एक टाइप है तो जब हमने ऊपर एक टेबल देखा था जहां पर हमने देखा था पब्लिक प्राइवेट प्राइवेट के अंदर ओपीसी स्मॉल एंड अदर ऐसा देखा था यही रीजन है यह वर्डिंग सेक्शन थ्री सबसेक्शन वन क्लॉज सी की वर्डिंग दैट वन पर्सन कंपनी इज अज प्राइवेट कंपनी ये ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिसमें सिर्फ एक मेंबर रहेगा बिकॉज अदरवाइज प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम दो लगते मैक्सिमम दो सौ लगते हैं बट ये एक ऐसी प्राइवेट कंपनी रहेगी जहां एक इकलौता ही मेंबर रहेगा नाउ अब आगे का सेंटेंस पढ़ना और फिर मैं उसको समझाऊंगा तो ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इफर्टिकुलर प्रोविजन हैज स्पेसिफिकेशन अबाउट एप्लीकेबिलिटी टू ओपीसी देन प्रोविजन should be complied according to such specification in case no separate provision related to applicability to opc such provision has to be complied as per the applicability to private company ab ye jo do points maine padhe hai ye particular do points padhe hai highlight kiye hai thoda sa dhyan dena hai अब होता यह है कि one person company हमने अभी अभी बोल दिया कि private company का ही एक part है but कुछ कुछ जगह पे one person company के लिए अलग rule रखे गए हैं जो नॉर्मल प्राइवेट से अलग है इवन जो डेफिनेशन का सेक्शन था मैं ऊपर जा रहा हूं नोट्स में सेक्शन टू क्लॉज सिक्सटी एट की डेफिनेशन जो थी जहां पे हमें कंडीशन दिए गए थे कि रेस्ट्रिक्शन एक्सेट्रा ये जो पढ़ो यहां पे देखो क्लियरली लिखा है एक्सेप्ट इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू टू हंड्रेड मतलब सेक्शन टू क्लॉज सिक्सटी एट सब क्लॉज टू इसके प्रोविजन अगर मैं देखूं तो इस प्रोविजन में क्लियरली लिखा है कि ओपीसी के लिए रूल अलग बाकी प्राइवेट कंपनी के लिए रूल अलग ऐसा क्लियरली लिखा है प्रोविजन में ही लिखा है कि ओपीसी के लिए एक ही चाहिए बाकी लोगों के लिए रूल अलग रहेगा फिर जब हम आगे जाएंगे मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के रूल पढ़ेंगे और ओपीसी के रूल में भी आएगा मेमोरेंडम जो बनेगा वन पर्सन कंपनी का ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आगे आने वाला है तो उसमें एक एक्स्ट्रा क्लॉज होता है नॉमिनी मतलब अगर वन पर्सन कंपनी का जो मेंबर है उसकी डेथ हो गई या वो इंसॉल्वेंट हो गया या उसकी हुई तो उसकी जगह कौन मेंबर बनेगा उसका नाम मेमोरेंडम में लिखना पड़ता है अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के जो सेक्शंस है वहां प्रोविजन में ये क्लियरली लिखा है कि वन पर्सन कंपनी अगर बनाते हो तो आपको एक एक्स्ट्रा क्लॉज वहां पे डालना है मतलब ये है कि ये जो मैंने दो एग्जाम्पल दिए जैसे सेक्शन टू क्लॉज सिक्सटी प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन का सेक्शन वहां जो दो की लिमिट की कैलकुलेशन हो रही है वो वो वाला प्रोविजन फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के क्या कंटेंट होते हैं वो वाला प्रोविजन इन प्रोविजन में स्पेसिफिकली डिफरेंस दिया है कि वन पर्सन कंपनी की ट्रीटमेंट अलग है बाकी लोगों के लिए रूल अलग है तो अगर किसी भी सेक्शन के किसी भी प्रोविजन में किसी भी सब सेक्शन में वन पर्सन कंपनी की स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दी है तो हम वो फॉलो करेंगे बट कुछ कुछ सेक्शंस ऐसे आएंगे जहां पे रूल दिया है बट ये नहीं बोला है कि वन पर्सन कंपनी के लिए क्या है या किसी और के लिए ऐसा नहीं दिया है तो उस सिचुएशन में हमें वही रूल फॉलो करना पड़ेगा जो एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी के लिए है तो जो भी हम पूरे सेक्शन पूरे 2013 में अलग -अलग आएंगी ध्यान रखना कुछ रूल्स में क्लियरली दिया रहेगा कि वन पर्सन कंपनी के लिए ऐसा करो लिखा है डू दिस फॉर वन पर्सन कंपनी वही करो जो प्रोविजन में लिखा है कुछ प्रोविजन ऐसे है जहां वन पर्सन कंपनी की कोई सेपरेट ट्रीटमेंट ही नहीं है उन्होंने कुछ बोला ही नहीं बस रूल दे दिया वहां यह नहीं बोला कि वन पर्सन के लिए कुछ अलग करना है तो इसका मतलब हमें उसके लिए वही करना है जो रेगुलर प्राइवेट कंपनी के लिए फॉलो होगा से फॉर एग्जांपल आज से आगे आज से आगे सपोज साल भर दो साल बाद अगर गवर्नमेंट नया रूल लेके आती है उन्होंने सेक्शन टू क्लॉस सिक्सटी में उनके पास पावर है मिनिम पेड ऑफ कैपिटल वो दे सकते हैं सपोज उन्होंने प्रिस्क्राइब किया कि मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल जो रहेगा वो से फॉर प्राइवेट कंपनी के लिए दो लाख रुपए रहेगा फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं आधा वीडियो कट करके मीडिया जैसी हरकतें नहीं करनी है कि सर आपने तो बोला था प्राइवेट का दो लाख मैं समझा रहा हूं अगर ऐसा हुआ तो नहीं तो उतना ही वीडियो कट करोगे और बोलोगे सर गलत सिखा रहे तो थोड़ा पेशेंस सिचुएशन ये है कि दो लाख रुपए मिनिमम कैपिटल लगेगा प्राइवेट कंपनी के लिए ऐसा गवर्नमेंट ने रूल लाया फॉर एग्जाम्पल आगे जाके अब वहां पे उन्होंने ओपीसी के लिए कितना ऐसा अलग से नहीं लिखा तो इसका मतलब यह होगा कि वन पर्सन कंपनी को भी वन पर्सन कंपनी को भी मिनिमम कैपिटल दो लाख रुपए लगेगा क्योंकि उसकी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं नंबर ऑफ मेंबर के लिए उसकी स्पेशल ट्रीटमेंट है मेमोरेंडम में एक्स्ट्रा क्लॉज होना चाहिए इसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है तो वैसे फॉलो करेंगे बट जहां स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी है एप्लीकेबिलिटी नहीं दी है वहां पे वन पर्सन कंपनी को वही रूल फॉलो करने पड़ेंगे जो एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं ये इंप्लीकेशन इन दोनों रूल्स का या यहां से आता है कि वन पर्सन कंपनी एक अलग तो है बट वो प्राइवेट का ही एक टाइप है सेक्शन थ्री क्लॉज सबसेक्शन वन क्लॉज सी के हिसाब से वन पर्सन कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी विथ वन मेंबर ओनली वहां तो पे जब वो बोल देते कि वन पर्सन कंपनी भी एक प्राइवेट ही कंपनी है तो फिर उस केस में आपको ये दोनों कंक्लूजन निकलते हैं मैं वापस पढ़ लेता हूं इफ मैं ध्यान दे देना यहां पे इफ अ पर्टिकुलर प्रोविजन हैज स्पेसिफिकेशन अबाउट एप्लीकेबिलिटी टू ओपीसी देन प्रोविजन शुड बी कंप्लाइड अकॉर्डिंग टू सच स्पेसिफिकेशन एंड इन केस नो सेपरेट प्रोविजन इज रिलेटेड टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ ओपीसी सच प्रोविजन हैज टू बी कंप्लाइड एज पर इट्स एप्लीकेबिलिटी टू प्राइवेट कंपनी तो वैसे ही अप्लाई करो जैसे प्राइवेट के लिए है अगर कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं है तो याद रखना जब आप आगे जाके अगर कभी प्रैक्टिस करोगे या प्रैक्टिकली काम करोगे कंपनीज में ये काफी इंपॉर्टेंट सिचुएशंस रहेंगी जिनके साथ आपको डील करना पड़ता है छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं बट उनके इंटरप्रिटेशन बहुत वाइड है प्रैक्टिकली उसका बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है इतनी एक लाइन की वजह से पूरे कंपनीज एक्ट को एक गाइडलाइन मिल गई अलग से बोला है तो वैसा करो नहीं बोला है तो वो करो जो प्राइवेट के लिए प्रैक्टिकली तो इनका काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है नेक्स्ट अगला रूल वही है जो मैंने अभी डिस्कस किया मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी शुड इंक्लूड अ नेम ऑफ अ पर्सन हु विल बिकम अ मेंबर मेंबर इन केस ऑफ ऑफ डेथ इंसॉल्वेंसी और अ जिसको बोला जाता है नॉमिनी तो याद रखना आगे जाके हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ने वाले हैं जिसमें नॉर्मली क्लॉज होते हैं नॉर्मल कंपनी में मेमोरेंडम में छह चीजें होती है नेम कंपनी का नाम एड्रेस ऑब्जेक्ट लाइवलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड एक्सेट्रा गारंटी या शेयर वैसा फिर उसके बाद कैपिटल कैपिटल कितना है और आखिरी होता है सब्सक्रिप्शन इन सब चीजों में क्या आता है उसके ऊपर हमारा एक सेपरेट यूनिट है मेमोरेंडम और आर्टिकल पे इसी नोट्स का आखिरी वाला यूनिट वही है तब हम वहां देख लेंगे बट अभी याद रखना ये छह चीजें छह नॉर्मली मेमोरेंडम में होती है नेम एड्रेस ऑब्जेक्ट लाइबिलिटी कैपिटल सब्सक्रिप्शन बट वन पर्सन कंपनी के मेमोरेंडम में एक एक्स्ट्रा क्लॉज रहेगा जो होता है नॉमिनी क्लॉज कि अगर वन पर्सन कंपनी के मेंबर की डेथ हो गई या वो इंसॉल्वेंट हो गया या उसकी इनकेपेसिटी आई तो उसकी जगह कौन मेंबर बनेगा तो वो पर्सन का नाम यहां पे लिखा होना चाहिए अब जब ये नॉमिनी अपॉइंट होता है याद रखना दोनों भी वन ये रूल्स सारे हमारे वन बाय वन आएंगे बट मैं कंबाइंडली बता देता हूं कोई भी पर्सन वन पर्सन कंपनी तभी बना सकता है जब वो इंडिया में रेसिडेंट हो वो इंडियन सिटीजन हो फिर उसके अलावा वो मेजर होना चाहिए माइनर नहीं होना चाहिए सेम रूल नॉमिनी के लिए भी एप्लीकेबल है कि कोई भी पर्सन तभी नॉमिनी बन सकता है वन पर्सन कंपनी का जब वो माइनर ना हो उसका कंसेंट लगेगा मतलब जब आप नॉमिनी को अपॉइंट करोगे तो उसका रिटर्न कंसेंट चाहिए कि मैं इस कंपनी में नॉमिनी बनने के लिए रेडी हूं अगर मेंबर को लगा कि ये नॉमिनी बदलना चाहिए तो वो बदल सकता है अगर नॉमिनी को लगा कि उसको ये नॉमिनीशिप नहीं चाहिए कि उसको इस कंपनी का कोई पार्ट नहीं चाहिए तो वो खुद भी मना कर सकता है उसको कंपनी को नोटिस देना पड़ेगा कि मैं अब इसके आगे नॉमिनी नहीं रहूंगा मेरा नाम विड्रॉ कर दो हर तरीके से ये चीजें पॉसिबल है तो वही रूल्स सारे आएंगे वन बाय वन ओपीसी के सी ओनली रेसिडेंट इंडिविजुअल कैन बिकम अ मेंबर और नॉमिनी ऑफ अ कंपनी सिर्फ ऐसा पर्सन जो रेसिडेंट है अब रेसिडेंट है मतलब पिछले साल में वन डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहा है तो वो रेसिडेंट रहेगा और वही ओपीसी बना सकता है नेक्स्ट माइनर कैन नॉट इनकॉर्पोरेट ओपीसी और बिकम नॉमिनी ना वो मेंबर बन सकता है ना ही ओपीसी का नॉमिनी बन सकता है नेक्स्ट वेल अपॉइंटिंग नॉमिनी हिज रिटर्न कंसेंट इज रिक्वायर्ड राइटिंग में उसका कंसेंट चाहिए अप्रूवल चाहिए कि वो मेंबर बनने बनने का नॉमिनी नॉमिनी के लिए रेडी है मेंबर मेंबर कैन रिमूव और चेंज द द बाय गिविंग नोटिस टू कंपनी उसको रिमूव कर सकता है मेंबर उसको बदल सकता है नॉमिनी खुद भी छोड़ सकता है इस केस में दोनों को भी कंपनी को नोटिस देना है फिर कंपनी आर ओसी को इन्फॉर्म करेगी कि नॉमिनी गया है या चेंज हुआ है ट हिज पोजिशन बाई गिविंग नोटिस को निकाल सकता, और खुद भी छोड़ सकता है नॉमिनी ऑफ वन ओपीसी ओनली अब यह काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि एक आदमी एक ही ओपीसी मेंबर बन सकता है और एक पर्सन एक ही ओपीसी में नॉमिनी बन सकता है एक से ज्यादा नहीं अब यहां पे कुछ इंटरेस्टिंग सिचुएशन आ सकती है मैं अगला रूल पढ़ लेता हूं फिर मैं उसकी सिचुएशन आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम अ अ पर्सन हु इज मेंबर ऑफ वन ओपीसी बिकम मेंबर इन अनदर ओपीसी ड्यू टू हिज पोजिशन एज नॉमिनी इन अनदर ओपीसी सच मेंबर शुड कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ लॉ विद इन विदी डेज तो जो भी हमने पढ़ा अब ये जो भी हमने पढ़ा है वो ये तीन रूल्स का इम्प्लीकेशन है ध्यान रखना है ये जो तीन रूल्स है ये तीन रूल्स का ये इंप्लीकेशन है तो ध्यान से सुनना समझना एग्जाम्पल समझ लो आपके लिए ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो रूल ये था कि एक आदमी एक ओपीसी बना सकता है और एक आदमी एक ओपीसी में नॉमिनी बन सकता है अब ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अगर आप एक जगह मेंबर हो तो दूसरी जगह नॉमिनी नहीं बन सकते ऐसा नहीं बोला है रूल क्या बोला है आपको एक जगह मेंबर बनना अलाउड है और एक ही जगह नॉमिनी बनना अलाउड है वो आइदर और नहीं है कि अगर मेंबर हो तो नॉमिनी नहीं बन सकते नॉमिनी हो तो मेंबर नहीं बन सकते हो सकता है से फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है ए वो मेंबर है इन ओपीसी मेंबर ऑफ ओपीसी एक ओपीसी है जहां वो मेंबर है ए इज ऑल्सो नॉमिनी इन अनदर ओपीसी इन अनदर ओपीसी वेयर बी इज अ मेंबर तो ए ने खुद की एक ओपीसी बनाई है जहां वो मेंबर है एट द सेम टाइम मैं लिख देता हूं भले ये दोनों लाइंस के बीच में एट द सेम टाइम ए इज अ नॉमिनी नॉमिनी है वो वहां पे ए इज नॉमिनी इन अनदर ओपीसी वेर बी इज अ मेंबर मेंबर बी है उसका और ए नॉमिनी है पहला क्वेश्चन जो सबसे आ, आ सकता है सामने वो ये है कि क्या ये वैलिड है डेफिनेटली वैलिड है क्योंकि लॉ ये मना नहीं करता है कि तुम एक जगह मेंबर और हो तो कहीं पे नॉमिनी नहीं बन सकते या कहीं नॉमिनी हो तो मेंबर नहीं बन सकते लॉ इसमें से किसी चीज को प्रोहिबिट नहीं कर सकता दोनों इंडिपेंडेंटली चल रहे रूल्स फॉलोड टिक टिक नाउ सिचुएशन बी डाइज बी की डेथ हो गई

बीज ओपीसी वो भी क्लियर कर लेता जहां बी मेंबर था उस ओपीसी में ए मेंबर बन जाएगा अब ए खुद की ओपीसी में मेंबर था ऑलरेडी अब यहां तो वो नॉमिनी रहा नहीं क्योंकि बी की डेथ हो गई तो वो यहां पे भी मेंबर और यहां पे भी मेंबर तो अब ऐसा हो गया कि इस सिचुएशन की वजह से वो ए जो है इज नाउ मेंबर इन टू ओपीसी इन टू ओपीसी एक नहीं दो जगह वो मेम्बर बन गया नाउ प्रॉब्लम अब तो यह रूल ब्रेक हो गया अब अगर ऐसी सिचुएशन आती है अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उस केस में ही विल हैव वन एटी डेज जिस दिन बी की डेथ हुई जिस दिन वो मेम्बर बना वहां से आगे वन एटी डेज टू कंप्लाई विथ द रूल टू कंप्लाई विद रूल्स तो वन एटी टू वन एटी डेज में फिर उसके पास ऑप्शन है कि दोनों में से एक ओपीसी को वो वाइंड अप करवा दे या मर्ज करवा दे या ये भी हो सकता है कि एक ओपीसी का बिजनेस पूरा किसी और को बेच दिया एक में खुद मेंबर रहा तो यह सब करने के लिए अलग अलग पॉसिबिलिटीज है सोल्यूशन है दोनों मर्च कर दे एक ही बन जाएगी या एक ओपीसी का बिजनेस किसी और को बेच दिया या एक ओपीसी में खुद मेंबर मतलब मेंबरशिप छोड़ के किसी और को ट्रांसफर कर दी वॉट जो भी उसको ये डिजोल्व कर दी वाइंड अप करवा दी पूरी जो भी उसको करना है कर सकता है बट उसके लिए उसके पास 180 एटी डेज है वन एटी डेज के अंदर उसको उसके लिए कंप्लायंस करना है और फिर ये वापस वो रिस्टोर करनी है पोजिशन की वो एक ही जगह मेंबर रहेगा और वही उन्होंने वहां पे एक्सप्लेन किया था जो थर्ड रूल में पढ़ रहा था या पढ़ा था मैंने रादर कि पहले दो रूल जो बॉक्स बना है उसमें तीन रूल है पहले में बोला है कि एक आदमी एक ही ओपीसी में मेंबर बनेगा दूसरे में बोला है कि एक एक ही जगह नॉमिनी बनेगा तीसरा रूल इन 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 केस केस अ हु मेंबर वन ओपीसी वो एक जगह मेंबर है, अल्सो बिकम मेंबर इन ओपीसी इन अनदर ओपीसी ड्यू टू हिज पोजिशन एज अ नॉमिनी इन अनदर ओपीसी तो ऑलरेडी एक जगह मेंबर था किसी और में भी बन गया क्योंकि वो वहां नॉमिनी था और उसके मेंबर की डेथ हो गई तो ऐसी सिचुएशन आती है तो सच मेंबर शुड कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ लॉ 180 डेज 180 डेज के अंदर उसको इन रूल्स के साथ कंप्लाई करना है और एक ही जगह मेंबर रहना है दूसरों या तो मर्ज करवा के करो या डिजोल्व करवा के करो जो करना है करो बट वन डेज के अंदर आपको ये कंप्लाई करना पड़ेगा तो ये बेसिक रूल आगे ओपीसी वन पर्सन कंपनी कैन बी कन्वर्टेड कैन बी कन्वर्टेड इन एनी अदर कंपनी एनी अदर कंपनी आफ्टर टू इयर्स ऑफ इनकॉरपोरेशन मतलब नॉर्मल रूल अगर वन परसेंट कंपनी बनती है तो इनकॉरपोरेशन से लेके पहले दो साल तक वो कन्वर्ट नहीं हो सकती वॉलंटरी खुद होके वन परसेंट से प्राइवेट में कन्वर्ट करना या पब्लिक में कन्वर्ट करना ऐसा अलाउड नहीं है नॉर्मल रूल प्रोवाइडेड दैट अब उसका एक्सेप्शन है इफ

वॉलंटरी वॉलंटरी कन्वर्जन दो साल के बाद कंपलसरी कन्वर्जन अगर इन दोनों में से कोई लिमिट क्रॉस कर ली तो तो अगर इसका अगर हमें थोड़ा सा अच्छे से याद रखना है तो एक छोटा सा चार्ट टाइप भी हम बना सकते हैं इसमें कि कन्वर्जन ऑफ ओपीसी, कन्वर्जन ऑफ ओपीसी इनटू प्राइवेट और पब्लिक कंपनी और याद रखना पूरे कंपनी लॉ में ऐसा बहुत लॉजिकल सिक्वेंस आता है अलग अलग जगह विच इज गुड थिंग क्योंकि हम उनको छोटे छोटे चार्ट में फिट कर सकते हैं जो रिविजन और लर्न करने में काफी हेल्पफुल होते हैं तो ये देख के ही बहुत बार तो मेजरली समझ में आ जाता है कि दो टाइप से हो सकता है वॉलंटरी वॉलंटरी और कंपलसरी वॉलंटरी आफ्टर टू इयर्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन फ्टर टू ईयर्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी बनने के दो साल बाद ही यह कन्वर्ट हो सकती है वॉलंटरी कंपल्सरी इफ दो कंडीशन है इफ पेडअप कैपिटल इफ पेडअप कैपिटल एक्सीड्स इफ पेडअप कैपिटल एक्सिड्स रुपीज फिफ्टी लैक्स और टर्नओवर दोनों में से कोई भी लिमिट कंडीशन होगी दोनों में से कोई भी एक लिमिट क्रॉस हो गई तो कन्वर्ट करना पड़ेगा एक नहीं कोई भी एक हो गई दोनों कंडीशन फुलफिल करना है ऐसा नहीं एक भी अगर लिमिट क्रॉस कर दी तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा टर्न ओवर एक सीट रुपीज टू करो तो फिर आपको ओपीसी को कंपलसरी कन्वर्ट करना पड़ेगा इन टू या तो प्राइवेट या तो पब्लिक वॉलंटरी कन्वर्ट तो दो साल तक नहीं हो सकता दो साल के बाद कभी भी करो अपनी मर्जी से करो बट कंपलसरी कन्वर्ट आपको करना ही पड़ेगा भले ही दो साल हुए है या नहीं हुए है तो ये कन्वर्जन ऑफ वन पर्सन कंपनी इन टू एनी अदर टाइप उसका रूल आगे बढ़ेंगे ओपीसी शुड हैव मिनिमम वन डायरेक्टर मिनिमम वन डायरेक्टर ये याद रखना जैसे नंबर ऑफ डायरेक्टर याद रखना नंबर ऑफ मेंबर्स के लिमिट भी अलग है और नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के लिमिट अलग है नंबर ऑफ मेंबर में वन पर्सन कंपनी में एक रहेगा प्राइवेट में मिनिमम दो मैक्सिमम दो सौ पब्लिक में मिनिमम सात मैक्सिमम अनलिमिटेड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के रूल अलग है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पर्सन कंपनी में मिनिमम होना चाहिए एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स चाहिए दो पब्लिक कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर चाहिए तीन ये याद रखना मेंबर्स की कंडीशन प्राइवेट और ओपीसी मेंबर और डायरेक्टर दोनों की कंडीशन सेम है ओपीसी में एक चाहिए मेंबर भी डायरेक्टर भी मिनिमम प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स चाहिए दो मिनिमम डायरेक्टर भी चाहिए दो पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर्स चाहिए सात और डायरेक्टर्स चाहिए तीन और मैक्सिमम डायरेक्टर जो है वो पंद्रह हो सकते हैं मैक्सिमम डायरेक्टर पंद्रह पंद्रह से ज्यादा नहीं अगर उससे ज्यादा करने हैं तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ सकता है वो क्या है वो हम आगे देखेंगे बट एक जनरल लिमिट जो कंपनीज एक्ट में दी है मैक्सिमम डायरेक्टर्स पंद्रह हो सकते हैं तीनों के लिए ये लिमिट सेम है फिर वो वन पर्सन कंपनी हो प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो तीनों के लिए ये मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की लिमिट सेम है दैट इज फिफ्टीन पंद्रह ही लोग मैक्सिमम वहां डायरेक्टर बन सकते हैं एक्सेप्शन है उसको क्योंकि अगर कोई कंपनी बहुत बड़ी है बहुत ज्यादा काम मैनेज करना पड़ रहा है तो ज्यादा भी कर सकते हैं उसके लिए एडिशनल प्रोसीजर है वो फॉलो करनी पड़ेगी बट जनरल रूल याद रखना मैक्सिमम डायरेक्टर किसी भी कंपनी में पंद्रह हो सकते हैं भले वो वन पर्सन हो प्राइवेट हो या पब्लिक अब ये भी बहुत बार बोलते हैं कि सर वन पर्सन कंपनी में क्या कर सकते हैं मेंबर्स को अगर लगता है कि बिजनेस मैनेज करने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत है तो फिर सिंपल है कि ज्यादा लोगों को वो डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं कि एक ही होना चाहिए नेक्स्ट अगला रूल ये सेपरेट होना चाहिए था बट उसी में कंबाइंड है इन केस ऑफ ओपीसी इट इज सफिशियंट कंप्लायंस ऑफ प्रोविजन रिलेटेड टू जनरल मीटिंग इफ मेंबर सेंड्स नोटिस टू ओपीसी एंड इट इज रिकॉर्डेड इन द मिनट्स ऑफ मीटिंग तो अब जब हम आगे मीटिंग्स वाले पार्ट में जाएंगे जैसे हर साल हर साल कंपनी के मेंबर्स की एनुअल जनरल मीटिंग होना कंपलसरी होता है हर साल होनी चाहिए सो दैट मेंबर्स एक साथ आए और कुछ बेसिक डिसीजन ले सके ऑडिटर को अपॉइंट करना डायरेक्टर को अपॉइंट करना डिविडेंड के बारे में डिसाइड करना इनके लिए सब लोग एक साथ आते हैं कंपल्सरीली अब वन पर्सन कंपनी में अकेला पर्सन है वो खुद से क्या ही मिलेगा तो इसलिए उनको एक छोटा सा एग्जाम्शन मैंने बोला ना कि बहुत सारी छूट दी गई है तो वन पर्सन कंपनी को अलग से मीटिंग रखने की जरूरत नहीं मेंबर कंपनी को नोटिस दे देगा कि ऐसा करो कंपनी उसका रिकॉर्ड मिनट्स मिनट्स ऑफ द मीटिंग यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है मिनट्स ऑफ द मीटिंग मिनट्स ऑफ द मीटिंग का मतलब होता है रिकॉर्ड्स ऑफ मीटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मीटिंग्स, मीटिंग्स के रिकॉर्ड्स है वो और वहां पे एंट्री कर दी मतलब मीटिंग हो गई डिसीजन हो गया बाकी को के, को बुलाना है डिस्कशन होगा फिर ही मीटिंग कंप्लाई होगी वन पर्सन कंपनी को ये छूट दी गई है याद रखना जब हम टाइप्स ऑफ कंपनी का यूनिट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी का यूनिट पढ़ते वक्त हम एक बेसिक सेगमेंट पढ़ने वाले जैसे एक्जमशन अवेलेबल टू प्राइवेट कंपनी जो जो छूट हमने मैंने बोला ना कि प्राइवेट और पब्लिक में प्राइवेट कंपनी को बहुत सारे प्रोविजन से छूट दी जाती है सेम ओपीसी के साथ भी होता है स्मॉल कंपनी के साथ भी होता है हम एक स्पेशल सेगमेंट देखने वाले उस सेगमेंट में हम लिस्ट देखेंगे अलग अलग प्रोविजन की जिनमें एग्जम्शन मिलता है छूट मिलती है रिलैक्सेशन मिलता है टू दीज कंपनीज उसमें भी ओपीसी को सबसे ज्यादा रिलैक्शन है फिर रिलैक्सेशन है फिर स्मॉल कंपनी को और फिर प्राइवेट कंपनी को इनका हम एक सेपरेट पार्ट देखने वाले हैं सिमिलर प्रोविजन फॉर अ बोर्ड मीटिंग इफ देर इज ओनली वन डायरेक्टर अब हमने देखा ओपीसी में मिनिमम एक चाहिए बट मैक्सिमम पंद्रह हो सकते हैं अगर आप ओपीसी में चार पांच डायरेक्टर रखते हो तो एक्चुअल प्रॉपर बोर्ड मीटिंग वगैरह होनी चाहिए बट अगर आपने वन पर्सन कंपनी में एक ही डायरेक्टर रखा है तो उसकी मीटिंग के लिए भी सेम रूल कि वो कंपनी को बोलेगा नोटिस देगा और कंपनी मिनट्स में रिकॉर्ड करेगी काम हो गया अलग से मीटिंग लेने की जरूरत नहीं है अगर एक ही डायरेक्टर है तो अगर एक ही डायरेक्टर है तो नेक्स्ट वन पर्सन कंपनी कैन नॉट इन्वेस्ट इनटू शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी वो किसी दूसरे कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते इन शॉर्ट फिर वो होल्डिंग नहीं बन सकते वन पर्सन कंपनी कैन नाइदर बी होल्डिंग और अ सब्सिडियरी कंपनी क्योंकि वन पर्सन कंपनी का मेंबर बनने के लिए तुम इंडिविजुअल चाहिए याद रखना कोई भी कंपनी किसी और ओपीसी में मेंबर नहीं बन सकती इंडिविजुअल होना जरूरी है जीता जागता नेचुरल पर्सन होना जरूरी है Artificial person, one person company में member नहीं बन सकता हमने पढ़ा ऊपर इस word का implication, I hope आप समझ गए होंगे नहीं समझ रहे होंगे तो अभी मैंने समझा दिया कि इंडिविजुअल एक नेचुरल पर्सन ही किसी भी वन पर्सन कंपनी में member बन सकता है आर्टिफिशियल पर्सन किसी कंपनी में member नहीं वन पर्सन कंपनी में मेंबर नहीं बन सकते नेक्स्ट

और ये प्राइवेट कंपनी रहेगी ये भी पब्लिक कंपनी नहीं है सी स्मॉल कंपनी मीन कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी अब ये तो क्लियर कर दिया स्मॉल मतलब ऐसी कंपनी रहेगी पहला कंडीशन ही डाल दिया अदर देन पब्लिक अब पब्लिक नहीं मतलब कौन प्राइवेट तो ये तो क्लियर हो गया कि स्मॉल कंपनी भी प्राइवेट रहेगी इसीलिए उसके टाइप्स में देखा था एंड आगे देखो अप शेयर कैपिटल ऑफ विच नॉट एक्सीड फिफ्टी लाख रुपीज और सच हाइयर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब विच शैल नॉट बी मोर देन टेन करोड़ रुपीज यहां एक करेक्शन करना है ये और नहीं है ये और हटा के एंड करना है एंड करना है एंड सेकेंड टर्न ओवर ऑफ विच एज पर इट्स लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डज नॉट एक्सिड टर्न ओवर डज नॉट एक्सीड टू करोड़ रुपीज और सच हाइयर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब विच शैल नॉट बी मोर देन हंड्रेड करोड़ रूपीज तो अब यहां पे अगर आप ध्यान से इस डेफिनेशन पे फोकस करते हो सेक्शन टू क्लॉज में तो शुरुआत के वर्डिंग में उन्होंने क्लियर किया कि अदर देन पब्लिक पे पे उनका फोकस इस चीज था कि अदर देन पब्लिक मतलब यहां से क्लियर कर दिया कि वो प्राइवेट रहेगी फिर जो दो कंडीशंस दी है उसमें पहली कंडीशन में कैपिटल पे रेस्ट्रिक्शन लगाया है और वो रेस्ट्रिक्शन में सिंपल वर्ड्स में लिख रहा हूं मैक्सिमम कैपिटल फिफ्टी लैक्स पचास लाख से ज्यादा का कैपिटल नहीं और दूसरी लिमिट में लग बोला है मैक्सिमम टर्नओवर, मैक्सिमम टर्नओवर, टर्नओवर मतलब उनका ओवरऑल ग्रॉस सेल जो साल भर में हुआ है तो मैक्सिमम टर्नओवर ओवर इज टू करोड़ ये होना चाहिए फिर आप बोलोगे कि सर वहां बीच में कहीं पे सौ करोड़ भी तो लिखा है टर्न के रूल में फिर ऊपर कैपिटल के इसमें भी तो दस करोड़ कुछ लिखा है अब ध्यान से पढ़ना क्या लिखा है मैं वापस पर, रिपीट कर रहा हूं ये फर्स्ट कंडीशन पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच नॉट एक्सीड फिफ्टी लाख रुपीज और सच हाइयर अमाउंट पचास लाख से ज्यादा नहीं और सच हाइयर अमाउंट वर्ड्स ध्यान से पढ़ना क्या लिखे एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन टेन करोड़ रुपीज मतलब ऐसा है कि जब हम बोलते हैं एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड मतलब गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इस 50 लाख की लिमिट को बढ़ा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट इस 50 लाख की लिमिट को बढ़ा सकता है बट 10 करोड़ से ज्यादा नहीं मतलब एक्ट बनाते वक्त पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट को यह पावर दी है पार्लियामेंट ने एक प्राइमरी लिमिट डिसाइड की कि 50 लाख से ज्यादा कैपिटल नहीं होना चाहिए बट अगर गवर्नमेंट को सही लगा तो यह पचास लाख की लिमिट को बढ़ा सकता है और एनी अदर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब तो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा मोर तो ये पावर देते वक्त उन्होंने गवर्नमेंट के पावर पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गवर्नमेंट के पावर पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि आप ये पचास लाख की लिमिट को बढ़ा सकते हो बट दस करोड़ से ज्यादा नहीं करंटली गवर्नमेंट ने यह लिमिट यूटिलाइज नहीं की ये पावर यूटिलाइज नहीं की है मतलब स्मॉल कंपनी होने के लिए आपका मैक्सिमम कैपिटल पचास लाख तक ही रहेगा उससे ज्यादा नहीं गवर्नमेंट के हाथ में पावर है कि वो उसको बढ़ाएगा दस करोड़ तक सेम चीज टर्न के लिए भी बोल दी कि दो करोड़ से ज्यादा टर्न नहीं होना चाहिए और एनी अदर हाइयर एज मे बी प्रिस्क्राइब नॉट एक्सीडिंग हंड्रेड करोड़ मतलब फिर से अगर गवर्नमेंट को लगा तो टर्न ओवर की लिमिट को बढ़ा सकता है बट गवर्नमेंट कहां तक बढ़ा सकता है उसका एक अपर लिमिट लगा दिया विच इज हंड्रेड करोड़ तो सौ करोड़ से ज्यादा यह लिमिट नहीं बढ़ सकती अभी तो जो है वही है गवर्नमेंट ने यह पावर यूज नहीं की है तो आज भी अगर आपको स्मॉल कंपनी बनानी है तो वो स्मॉल तभी समझी जाएगी अगर उसका कैपिटल पचास लाख के अंदर है और दूसरी कंडीशन क्या लिखी है उन्होंने कि आपका टर्न ओवर दो करोड़ के अंदर और ये दोनों चीजें दोनों लिमिट फॉलो करनी चाहिए एक भी लिमिट क्रॉस कर दी जैसा ओपीसी में देखा था एक भी लिमिट क्रॉस कर दी तो फिर तुम स्मॉल कंपनी नहीं हो प्लीज याद रखना स्मॉल कंपनी होने के ये कंडीशंस हैं और यहां मैंने करेक्शन करवाया कि यहां पे एंड लिखा है मतलब स्मॉल कंपनी होने के लिए आपको दोनों रूल फॉलो करने हैं कि आपका कैपिटल पचास लाख से कम होना चाहिए और टर्न ओवर करोड़ से कम होना चाहिए दोनों रूल्स फॉलो करो अगर एक भी रूल ब्रेक होगा तो फिर आपकी कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं कहलाएगी तो ये स्मॉल कंपनी ये भी प्राइवेट का पार्ट है इसको भी सर्टन एग्जामशंस मिलते हैं और इसी रीजन की वजह से हमने ये ऊपर जो टेबल पढ़ा था यहां पे हमने देखा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मेंबर पब्लिक कंपनी पढ़ा रेगुलर प्राइवेट मतलब ये अदर वाली कैटेगरी पढ़ी और फिर ये वन पर्सन और स्मॉल कंपनी स्मॉल कंपनी के लिए भी वही जैसा ओपीसी के लिए देखा था हमने कि अगर कहीं पे किसी प्रोविजन में स्मॉल कंपनी के लिए अलग रूल बोला है तो वैसा फॉलो करो और अगर उसकी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी है तो वो रूल फॉलो करो जो रेगुलर प्राइवेट कंपनी को फॉलो करना पड़ता है तो ये जो है टाइप्स ऑफ कंपनी का पार्ट है बेस्ड ऑन नंबर पब्लिक प्राइवेट प्राइवेट में ओपीसी स्मॉल एंड अदर स्मॉल कंपनी का छोटा सा डिस्कशन छोटा सा पार्ट रहेगा वो क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं आगे

कैन नॉट बी मतलब इसका काफी बड़ा निगेटिव लिस्ट है कैन नॉट स्मॉल कंपनी लिख देता हूं मैं स्मॉल कंपनी पूरा ही लिख देते हैं स्मॉल कंपनी कैन नॉट बी क्या क्या नहीं कर सकती कैन नॉट बी एक पब्लिक नहीं हो सकती निगेटिव याद रखना नहीं बोला है पब्लिक नहीं हो सकती होल्डिंग नहीं हो सकती सब्सिडरी नहीं हो सकती मतलब ना उसके ऊपर कोई कंट्रोल करने वाला है ना ही यह किसी को कंट्रोल करेगी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए फिर सेक्शन एट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं हो सकती सेक्शन एट नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन होती है वो नहीं बन सकती या कोई और ऑर्गेनाइजेशन जो स्पेशल एक्ट के अंदर कवर है एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय स्पेशल एक्ट किसी और एक्ट के अंडर कवर्ड होना कवर्ड बाय अदर स्पेशल एक्ट जिसको कोई और एक्ट फॉलो करना पड़ता है अलोंग विद कंपनीज एक्ट जैसे बैंकिंग कंपनीज है तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट फॉलो करना पड़ता है इन्वेस्टमेंट कंपनीज को सेबी के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट नाइनटीन आग तो फॉलो करना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को इलेक्ट्रिसिटी एक्ट टू फॉलो करना पड़ता है तो ऐसे अलग अलग एक्ट उनको फॉलो करने हैं तो ऐसे कंपनी जिनको कुछ स्पेशल लॉ फॉलो करने हैं वो पर्टिकुलर कंपनी स्मॉल कंपनी के अंडर नहीं आएंगी ना इसको कोई कंट्रोल करेगा ना ये किसी को कंट्रोल करेगा क्योंकि ये सब्सिडरी नहीं बन सकता मतलब कोई कंट्रोलिंग नहीं है होल्डिंग सब्सिडरी ये वर्ड हमने अभी तक के सेशन में दो चार बार यूज कर लिए और जब आगे आने वाली कंपनीज में ये डिस्कस होगा तो आपको ये वापस इनका रेफरेंस समझ आएगा मैं वापस रिकॉल भी करवा दूंगा कि कहा, -कहा हमने होल्डिंग सब्सिडरी के रेफरेंसेस देखे है ना तो ये जो पार्ट है ये है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स तो ये कैटेगरी है अगली कैटेगरी जो आपके सामने रिखी गई है वह है बेस्ड ऑन लाइबिलिटी बेस्ड ऑन लाइबिलिटी बेस्ड ऑन लाइबिलिटी में दो पार्ट है लिमिटेड एंड अनलिमिटेड लिमिटेड में दो पार्ट है लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी तो अगर आपको याद होगा इन केस अगर आपको याद होगा हमने कंपनीज के कुछ बेसिक्स देखे थे और उसके बेसिक में इनकॉर्पोरेशन का पार्ट देखा था कंपनी का ओवरऑल इवोल्यूशन देखा था उसी वक्त मैंने लाइबिलिटी से रिलेटेड चार्ट बनाया था तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको यह फटाफट फटाफट याद आए क्योंकि हमने ये डिस्कस किया हुआ है तो दो सेकेंड ले लो सोच लो याद कर लो कि कहा क्या था मैं तो रिकॉल करवा ही दूंगा बट फिर भी आपको याद करने की कोशिश की करनी है कि कहा क्या क्या देखा था आपने यस कम ऑन क्विकली यस तो वहां हमने देखा था कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में लाइबिलिटी इज लिमिटेड अप टू अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स ट अनपेड अमाउंट कैन बी कॉल्ड बाय कंपनी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम और एट द टाइम ऑफ वाइंडिंगअप ये लाइफ टाइम में या वाइंडिंगअप के टाइम पे हो सकता है एंड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैन नॉट है गारंटी अगर कंपनी लिमिटेड बाई शेयर है तो उसमें गारंटी नहीं हो सकती ऑन द कॉन्ट्री अगर आप आगे देखोगे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो अप टू अनपेड अमाउंट रहेगा वो सिर्फ वाइंडिंगअपे आ सकता है और उसमें शेयर कैपिटल हो सकता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी में वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी विद गारंटी या विध शेयर दोनों तरीके से चल सकता है तो ये पार्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उस बेसिक में हमने स्पेशल सेशन देखा था और उसमें काफी डिटेल डिस्कस किया था तो आई होप कि आपको ये टाइप्स याद रहे फिर उसके बाद अगला जो हमारा मैंने बोला था कि हमारे डिस्कशन में आने वाला है बेस्ड ऑन कंट्रोल कंट्रोल के बेसिस पे दो पार्ट दिए है होल्डिंग कंपनी सेक्शन टू क्लॉज फोर्टी सिक्स एंड सब्सिडरी कंपनी सेक्शन टू क्लॉज एटी सेवन अब बहुत गौर से और बहुत ध्यान से इनको समझना है यहां भी थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल डिस्कशन आएगा अभी आएगा हो सकता है कि आगे वाले सेशन में भी इनका डिस्कशन कंटिन्यू रहे यह भी कंसेप्चुअल पार्ट रहेगा जैसे हमने प्राइवेट पब्लिक में कंसेप्ट बेस देखा था वैसे यहां पर भी रहेगा लेट सी होल्डिंग कंपनी इन पहला डेफिनेशन पढ़ रहा हूं मैं होल्डिंग कंपनी का सेक्शन टू क्लॉस फोर्टी सिक्स होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज मीनस कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनीज तो बहुत ही घुमा फिरा के बात कर रहे काफी शातिर तरीके से वो बात कर रहे क्या बोला उन्होंने होल्डिंग मतलब ऐसी कंपनी जिसका रिलेशन है ये रिलेशन में है अदरवाइज नहीं कंपनीवाइज राइट होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनी एक या एक से ज्यादा कंपनीज के रिलेशन में है और ऐसी कंपनी मीन्स अ कंपनी ऑफ सच कंपनीज आर सब्सिडरीज मतलब जो सामने वाला रिलेशन है वो सब्सिडरी है तो ये होल्डिंग हो गए मतलब ऐसा है अब ध्यान से सुनना अगर मैं कोई कंपनी लेता हूं फॉर एग्जाम्पल ए लिमिटेड ए लिमिटेड ये कंपनी है और मुझे चेक करना है मुझे ये बोला जाता है आप मुझे आपको किसी को भी ये बोला गया कि ये चेक करो कि सेक्शन टू क्लॉज फोर्टी सिक्स के हिसाब से वेदर whether A limited is holding company क्या A limited holding company है ये हमें चेक करने के लिए टास्क दिया गया बोला गया कि आपको इसके एक सौ एक रुपये मिलेंगे शगुन के जैसा भी है पॉइंट ये है कि सेक्शन टू क्लास फोर्टी सिक्स के अंडर आपको अब आप चेक करने के लिए बोला जा रहा है कि हमको आप एक्सपर्ट लोग हो हो लॉ पढ़ते तो हमें ये बताओ कि इस सेक्शन के के मीनिंग हिसाब से ए लिमिटेड कंपनी होल्डिंग है या नहीं है अब इसके आंसर तो दो ही है या तो यस yes होगा या तो नो no होगा ओके okay, आड़ा तेड़ा हो रहा है कुछ तो भी ड्रॉइंग खराब होने के नतीजे तो या तो ये यस yes होगा या तो फिर से कोई इशू नहीं या तो नो मतलब ए लिमिटेड या तो होल्डिंग हो सकती है या तो नहीं हो सकती बट वो होल्डिंग है या नहीं है इसके लिए हमें उसके डेफिनेशन पे जाना है अब जरा गौर से पढ़ना इंटरप्रिटेशन के स्किल्स लगने वाले हैं पहली बात होल्डिंग होने के लिए होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज मतलब अगर मुझे किसी को होल्डिंग डिक्लेयर करना है मुझे बोलना है कि भाई हाँ ए लिमिटेड होल्डिंग है तो मुझे इसका रिलेशन देखना पड़ेगा किसी और कंपनी के साथ मतलब ये होल्डिंग तभी रहेगा जब कोई और कंपनीज उसके रिलेशन में है तो कोई और कंपनीज इसके रिलेशन में है क्या और अगर है तो क्या रिलेशन है ये भी वहां पे दिया है इन रिलेशन टू अदर कंपनी मींस अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज मतलब जो दूसरी वाली है सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनीज तो ए लिमिटेड अगर किसी दूसरे कंपनीज के रिलेशंस के साथ है एंड दीज अदर कंपनीज इन रिलेशन विथ अदर कंपनीज इन रिलेशन विथ अदर कंपनीज इन रिलेशन विथ अदर कंपनीज तो ए होल्डिंग रहेगी इन रिलेशन विथ अदर कंपनीज से फॉर एग्जाम्पल बी लिमिटेड इनके रिलेशन में है तब ऐसा होगा वेन बी लिमिटेड इज सच अदर कंपनी इज सब्सिडरी मतलब ये हुआ कि ए लिमिटेड को होल्डिंग अगर हम तब बोलेंगे सिंपल वर्ड सिंपल वर्ड्स में जब मीनिंग बोलूंगा तो एक्चुअली बहुत ही आसान है दैट कि ए लिमिटेड को होल्डिंग तब बोला जाएगा अगर उसकी कोई सब्सिडरी ये उसका सिंपल मतलब सो ए लिमिटेड इज होल्डिंग इफ इट हैज सब्सिडरी आप बोलोगे सर फिर ऐसा इतना कॉम्प्लिकेटेड मैंने नहीं दिया है कंपनीज एक्ट में जो वर्ड्स दिए हैं वो मुझे आपको बताना और उसका इंटरप्रिटेशन सिखाना मेरा काम है तो इन सिंपल वर्ड्स मैं ये बोलूंगा कोई भी कंपनी तब होल्डिंग है अ कंपनी अ कंपनी इज सेड टू बी अ कंपनी इज सेड टू बी होल्डिंग इफ इफ इट हैज सब्सिडियरी किसी भी कंपनी को हम होल्डिंग तब बोलेंगे अगर उसका कोई सब्सिडरी है फिर बोलेंगे सब्सिडरी क्या है तो उसका डेफिनेशन तो दिया है आगे आगे दिया है डेफिनेशन बट अभी के लिए इतना मतलब समझना है कि किसी भी कंपनी को होल्डिंग तब बोलेंगे अगर उसकी कोई सब्सिडरी है अगर उसकी कोई सब्सिडी नहीं तो वो होल्डिंग नहीं इट्स लाइक किसी भी पर्सन को हम पेरेंट तब बोलेंगे अगर उनके बच्चे हैं अगर बच्चे नहीं तो वो पेरेंट्स कैसे हुए तो सेम वे होल्डिंग हम तब बोलेंगे जब उनकी सब्सिडरी है इतना पार्ट है अब वो बच्चे कौन? बच्चे कौन क्या है है उसका definition आगे दिया है, section two, clause 87 में तो होल्डिंग को बोलते वक्त सिंपल वर्ड्स में बोल दिया होल्डिंग मतलब ऐसी कंपनी जो किसी और की सब्सिडरी है वो तो कोई और सब्सिडरी है या नहीं है वो कहां से देखना तो सेक्शन टू क्लॉज एटी सेवन तो हमारा काम खत्म नहीं होगा हम जब ये डिसाइड कर रहे हैं कि ए लिमिटेड होल्डिंग है या नहीं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या कोई और इसका सब्सिडरी है और वो कैसे देखेंगे तो सेक्शन टू क्लॉज एटी सेवन में बोला उन्होंने सब्सिडरी कंपनी और सब्सिडरी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी दैट इज टू से होल्डिंग कंपनी मीन कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक्सरसाइजेज और कंट्रोल मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर इट्स ओन और टूगेदर विथ वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरीज तो अब दो दो कंडीशन दी है कि किसी भी कंपनी को हम सब्सिडरी तब बोलेंगे किसी भी कंपनी को सब्सिडरी तब बोलेंगे जब अदर कंपनी अदर मतलब कौन सी कंपनी होल्डिंग कंपनी कंट्रोल करती है कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक्सरसाइजेस और कंट्रोल मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर So बट अभी के लिए जितना हमने पढ़ा उसमें से सिंपल मीनिंग अगर मुझे देखना है कि ए लिमिटेड और बी लिमिटेड एग्जाम्पल हमने लिया है कि ए लिमिटेड होल्डिंग और बी लिमिटेड सब्सिडरी है या नहीं है तो उसके लिए ये होना चाहिए दिमिटेड ए लिमिटेड अगर कंट्रोल करती है कंट्रोल्स पहला कंडीशन कंट्रोल्स कंट्रोल्स कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन बी लिमिटेड बी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कॉम्पोजिशन कंट्रोल करना अब ये क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे और सेकेंड कंडीशन कंट्रोल्स मोर देन मोर देन हाफ वोटिंग पावर मैं अभी पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं उसका बट जितना अभी एक्सप्लेनेशन के लिए जरूरी है उतना ही लिख रहा हूं पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहां लिखा है और आईदर और मतलब दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल हुई तो ए लिमिटेड होल्डिंग है और बी लिमिटेड सब्सिडरी पहली कंडीशन कंट्रोल्स कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन बी लिमिटेड नाउ

और मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स इन बी लिमिटेड तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कॉम्पोजिशन कंट्रोल कर रहा है ऐसा तब बोलेंगे जब ए लिमिटेड इस पोजिशन में है वो बी लिमिटेड के या तो ऑल या तो मेजोरिटी याद रखना ऑल और मेजोरिटी डायरेक्टर इन बी लिमिटेड को या तो अपॉइंट कर सकता है या तो रिमूव कर सकता है तो समाउ कैसे वो छोड़ दो बट ए लिमिटेड के हाथ में ये पावर है कि वो बी लिमिटेड के आधे या सारे ऑल और मेजोरिटी आधे से ज्यादा या सारे के सारे डायरेक्टर को या तो अपॉइंट कर सकता है या तो निकाल सकता है ऐसी पावर ए लिमिटेड के हाथ में है तो इसका मतलब ए लिमिटेड इज कंट्रोलिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ बी लिमिटेड बी लिमिटेड के मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर का रहना मतलब अपॉइंट होना या जाना ये अगर ए लिमिटेड के हाथ में है मतलब वो उसको कंट्रोल कर रही है और ए लिमिटेड होल्डिंग और बी लिमिटेड सब्सिडरी और दूसरा कंडीशन कंट्रोल्स ओवर मोर देन हाफ वोटिंग पावर मतलब बी लिमिटेड के जब जनरल मीटिंग होती है उस मीटिंग में जितना टोटल वोटिंग होने वाला है उसका आधे से ज्यादा वोटिंग पावर आधे से ज्यादा वोटिंग पावर जो है वो ए लिमिटेड के कंट्रोल में है अब ये वोटिंग पावर का कंट्रोल जैसे अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो जिसके पास ज्यादा शेयर कैपिटल वो कंट्रोल करेगा और अगर सपोज ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो जिसने गारंटी ज्यादा दी है वो कंट्रोल करेगा तो अब ये मोर देन हाफ वोटिंग पावर कंट्रोल करता है या नहीं करता है ये डिपेंड करेगा ऑन इट डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स डिपेंड्स ऑन गारंटी और शेयर टोटल शेयर कैपिटल ऑफ बी लिमिटेड बी लिमिटेड का टोटल कैपिटल कितना है या टोटल गारंटी कितनी है उसमें से कितनी गारंटी ए लिमिटेड ने दी है या कितने शेयर ए लिमिटेड के पास है उसके ऊपर डिपेंड करेगा फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ए लिमिटेड ए लिमिटेड हैज 60 परसेंट शेयर इन बी लिमिटेड बी लिमिटेड के टोटल ए लिमिटेड के पास है तो इसका मतलब ए लिमिटेड हो गई होल्डिंग और बी लिमिटेड हो गई सब्सिडरी मैं वापस बोल देता हूं दोनों दोनों कंडीशन फुलफिल करने की जरूरत नहीं या तो कॉम्पोजिशन कंट्रोल करो या तो शेयर कैपिटल या वोटिंग पावर कंट्रोल करो दोनों में से कुछ भी हुआ दोनों में से कुछ भी हुआ तो भी ये होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशन है और प्लस ये जो दूसरा कंडीशन है ये जो हम अभी देख रहे हैं ये ये दूसरा कंडीशन जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ये जो कंट्रोल है वोटिंग पावर का कंट्रोल बोलो या कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो शेयर्स का कंट्रोल ये उसका खुद का हो सकता है या थ्रू वन और मोर सब्सिडरीज मतलब ऐसा से फॉर एग्जाम्पल ए लिमिटेड ये एक कंपनी है जिसने बी लिमिटेड इस कंपनी का 70 परसेंट कैपिटल कंट्रोल किया है ए लिमिटेड के पास बी लिमिटेड के 70 परसेंट शेयर हैं अब बी लिमिटेड के पास सी लिमिटेड कंपनी के 80 परसेंट शेयर हैं अब अगर मैं इंडिविजुअली देखू बिटवीन दिस ए लिमिटेड इज होल्डिंग बी लिमिटेड इज सब्सिडरी फिर अगर मैं इन दोनों में देखूं बी लिमिटेड इज होल्डिंग सी लिमिटेड इज सब्सिडरी इतना तो क्लियर है क्योंकि ए लिमिटेड के पास सेवेंटी परसेंटेड के मेजोरिटी कंट्रोल हो गए तो वाले बी होल्डिंग सी सब्सिडरी बट स्टोरी यहां खत्म नहीं होती क्योंकि उन्होंने यह बोला कि या तो तुम डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हो या इनडायरेक्टली थ्रू वन और मोर ऑफ इट्स ओन सब्सिडीज मतलब यह है कि क्योंकि बी लिमिटेड का कंट्रोल है सी लिमिटेड पर और ए लिमिटेड का कंट्रोल है बी लिमिटेड पे इसलिए यहां एक तीसरा रिलेशन भी आएगा और वो रिलेशन रहेगा फिर आप बोलोगे कि सर ऐसा कैसे सी लिमिटेड तो बी का भी सब्सिडरी ए का भी सब्सिडरी चलेगा ऐसा मना कहां किया है कि तुमको कंट्रोल करने के लिए एक ही कंपनी हो सकती है ऐसा बोला ही नहीं है उन्होंने बोला है कि कंट्रोल होना चाहिए अब ए लिमिटेड के पास इनडायरेक्टली ही सही अपने सब्सिडरी के थ्रू सी लिमिटेड का कंट्रोल है तो ऐसे सिचुएशन में सी लिमिटेड के लिए दो दो होल्डिंग कंपनी हो गई सो इट्स लाइक पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स तो वैसा सिस्टम हो गया पेरेंट्स की भी माननी पड़ती है ग्रैंड पेरेंट्स की भी माननी पड़ती है तो उसी तरीके से है ये कि सी लिमिटेड सब्सिडरी है ए का भी और बी का भी प्लस इसमें बहुत सारे इक्वेशंस बन सकते हैं बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती है से फॉर एग्जाम्पल अगर मान लिया जाए कि ए लिमिटेड एक कंपनी है जिसके दो सब्सिडीज है बी लिमिटेड और सी लिमिटेड दोनों का 70% परसेंट कैपिटल ए लिमिटेड के पास है वोटिंग पावर अब बी लिमिटेड ने डी लिमिटेड के 30% परसेंट शेयर्स खरीदे हुए और सी लिमिटेड ने उसके 35% परसेंट शेयर्स खरीदे हुए अब अगर मैं यहां इस इक्वेशन में देखूं तो ए लिमिटेड होल्डिंग है बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड ये सब्सिडरी है सब्सिडरी ऑफ ए लिमिटेड अब आगे ये है कि डी लिमिटेड डी लिमिटेड का अगर हम यहां पे देखते हैं कि इधर थर्टी परसेंट और इधर थर्टी फाइव परसेंट अब यहां पे बी और सी ये होल्डिंग नहीं क्योंकि किसी के एक के पास भी मेजोरिटी नहीं है बट दोनों मिला के सिक्सटी फाइव परसेंट का कंट्रोल है और सिक्सटी फाइव परसेंट दोनों मिला के दोनों का होल्डिंग कॉमन है कौन ए लिमिटेड सो इस रिलेशन की वजह से ए लिमिटेड इज होल्डिंग ऑफ डी लिमिटेड वो डी लिमिटेड के होल्डिंग है एंड डी लिमिटेड इज सब्सिडरी डी लिमिटेड इज सब्सिडरी ऑफ ए लिमिटेड वो ए लिमिटेड की सब्सिडरी है और ये रिलेशन यहाँ पे प्रॉपरली एग्जैक्टली प्रूव होता है यहाँ पे क्योंकि ये जो कंट्रोल हमने जिसकी बात की कि एक कंपनी का दूसरे के ऊपर हो सकता है तो मेजोरिटी ऑफ वोटिंग पावर के ऊपर ये कंट्रोल या तो डायरेक्टली खुद होगा या किसी और के थ्रू तो अब मैं वापस डेफिनेशन पे जाता हूं ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे और उसको कंक्लूड करेंगे वैसे और भी उसमें एग्जाम्पल्स हैं बट अभी के लिए हम उसको कंक्लूड करेंगे सब्सिडरी कंपनी के डेफिनेशन में पढ़ रहा हूं रिलेशन टू कंपनी दैट इज टू से होल्डिंग कंपनी मीन कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन करना मीन्स इज इन अ अजिशन टू अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स इन अनदर कंपनी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन कंट्रोल करना और 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 एक्सरसाइजेस कंट्रोल्स मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर अब ध्यान से पढ़ना क्या लिखा है आईदर आईदर आइदर एट इट्स ओन और टूगेदर विथ वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडीज और ये जो वोटिंग पावर का कंट्रोल है वो या तो सेल्फ है या अपनी किसी सब्सिडरी के साथ मिला के जैसे हमने अभी देखा कि डी लिमिटेड का 65 परसेंट वोटिंग पावर ए लिमिटेड कंट्रोल कर सकती है थ्रू सब्सिडरीज बी और सी दोनों की होल्डिंग कंपनी ए है दोनों मिला के सी लिमिटे डी लिमिटेड का 65 परसेंट कंट्रोल करते हैं मतलब इनडायरेक्टली ए लिमिटेड के पास वो कंट्रोल है ए लिमिटेड होल्डिंग है और डी लिमिटेड सब्सिडरी है आगे बढ़ेंगे प्रोवाइडेड दैट सच क्लास और क्लासेस ऑफ होल्डिंग कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब शैल नॉट हैव लेस ऑफ सब्सिडीज बियॉन्ड सच नंबर एज में प्रिस्क्राइब मतलब ये जो सिक्वेंस होता है इन्वेस्टमेंट का अब अगर मैं यहां पर आपको थोड़ा सा क्विकली समझा दू कि यह प्रोविजन जो अलाउड की है या प्रोवाइज दिया है ए लिमिटेड बी सी डी ई ऐसे एक के बाद एक क्या बात लेयर्स बनते जा रहे हैं अब इन ले रेस्ट्रिक्शन है देर इज रेस्ट्रिक्शन ऑन लेयर्स पहले नहीं था बट 2017 में इसके लिए स्पेसिफिक रूल लाए गए और ये लेयर्स पे रेस्ट्रिक्शन लाए गए कि दो लेयर्स से ज्यादा ये आगे नहीं बढ़ सकता अब दो लेयर कैसे गिने जाएंगे क्या गिने जाएंगे उसके स्पेसिफिक रूल्स हैं। जब हम रेगुलर नोट्स में आएंगे तब मैं ये लेयर्स का रूल बताऊंगा अभी मैं सिर्फ इतना बोल के रख रहा हूं कि ये लेयर्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है जो पहले नहीं थे बाद में आए

एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड्स एनी बॉडी कॉरपोरेट इसमें कोई भी बॉडी कॉरपोरेट आ सकता है इस एक्सप्रेशन में किसी भी बॉडी कॉरपोरेट को कवर कर सकते मतलब जब हम होल्डिंग और सब्सिडी ये रिलेशन देख रहे हैं तो कंपनी के बाहर हमें जाना पड़ेगा मतलब ऐसी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं हुई है किसी और एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हुई है फॉर एग्जाम्पल एल एल पी लिमिटेड पार्टनरशिप और किसी कंपनी ने एलएलपी में इन्वेस्टमेंट की है तो वो एलएलपी भी सब्सिडरी में आएगा, यहां बोला है, स्कोप बढ़ा रहे हैं कि कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट इसमें वो इंक्लूड किया जा सकता है मतलब अगर किसी पार्टनरशिप लिमिटेड लाइविलिटी पार्टनरशिप फॉर्म में किसी कंपनी ने पार्टनरशिप की होगी तो वो भी सब्सिडरी है या नहीं ये देखा जा सकता है सेम विद द होल्डिंग रिलेशन तो यहां पे कंपनी मतलब कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट लेयर इन रिलेशन टू अ होल्डिंग कंपनी मींस इट्स सब्सिडरी और सब्सिडरीज तो so, एक लेयर में मल्टीपल सब्सिडरीज भी हो सकती है ये लेयर्स वाला क्या पार्ट है जैसे कि मैंने बोला जब रेगुलर पार्ट्स में आएंगे रेगुलर पार्ट के डिस्कशन में आएंगे तब मैं आपको ये लेयर्स का एग्जैक्ट इंप्लीकेशन समझाऊंगा तो ये जो सारा पार्ट है प्लीज याद रखना अभी तक का जो हमारा डिस्कशन चल रहा है कंपनी के बेसिक्स में टाइप्स ऑफ कंपनी तक हम आए हैं पहला नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पे प्राइवेट पब्लिक देखा पब्लिक में ओपीसी स्मॉल कंपनी देखे रेगुलर प्राइवेट कंपनी देखे फिर लाइबिलिटी के बेसिस पे हमारा डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है लिमिटेड बाय शेयर्स लिमिटेड बाय गारंटी अनलिमिटेड में अनलिमिटेड कंपनी विथ अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी विथ शेयर्स विथ गारंटी वो हम डिस्कस कर चुके हैं फिर आता है बेस्ड ऑन कंट्रोल Based on control के पार्ट में तीन रादर हमको देखने होल्डिंग सब्सिडरी एंड एसोसिएट उसमें से होल्डिंग और सब्सिडरी आपस में क्या रिलेशन होता है वो हमने देखा है फिर subsidiary company से related एक interesting situations आ सकती है. वो सेक्शन नाइनटीन के थ्रू रोकी गई है और आगे एसोसिएट कंपनी और फिर बाकी के अलग अलग कंपनी के टाइप्स दिए हैं. तो आज के लिए बेसिक डिस्कशन कंसेप्चुअल डिस्कशन हम बहुत सारा कर चुके हैं तो इस सेशन के लिए हम यही रुकेंगे कल के सेशन में ये सब्सिडरी और एसोसिएट वाला पार्ट कंटिन्यू करके आगे के टाइप्स ऑफ कंपनी को हम कवर करेंगे सभी तो के लिए इतना ही बाकी का बाद में थैंक यू